भागलपुर के मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल 3 छात्राओं का इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता दें, गंगटा थाना क्षेत्र के बड़ी मंजगाय गांव से छात्रा कोचिंग क्लास के लिए ऑटो से हवेली खड़गपुर बाजार जा रही थी। इसी दौरान जमुई की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 3 छात्राओं सहित ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं घायलों को हवेली खड़गपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना में घायल छात्रा के परिजन कमल यादव ने बताया कि तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक के द्वारा ऑटो को टक्कर मारे जाने से कई छात्राओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। देश की सरहदों की निगरानी करने में लगा एक बीएसएफ जवान पिछले 23 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में भागलपुर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से लेकर कई थानों के चक्कर काट रहा है और पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान पत्रकारों से गुहार लगाने लगा। बीएसएफ जवान अमित कुमार मिश्र छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है और उनकी बेटी, पत्नी और मां औद्योगिक थाना क्षेत्र की झुरखुरिया हैप्पी वैली स्कूल के पास किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को सुबह उनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौट कर नहीं आई। घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन नहीं मिलने पर लापता होने की सूचना थाने को दे दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में महिला को निकलते हुए देखा गया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप फौजी जवान लगा रहा है। वहीं उसका कहना है कि उसने आसपास के जिलों के कई थानों में पत्नी की खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पत्रकारों से अपनी पत्नी के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। फौजी का कहना है कि उसे शक है पत्नी को कहीं बहला फुसला कर ले जाया गया है और उसे डर है कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में उसकी पत्नी फंस गई हो। जवान का कहना है कि वो देश की निगहवानी करता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख करना आम लोगों के हाथ में है। जब उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो कैसे अपना काम कर सकेगा। तो बेसिकली मेहनत कर रहे हैं, आसपास के थाना में जाकर पूछ रहे हैं, या जैसे मुंगेर पूरा थान मारे, कटिहार थान मारे, उसके बाद पूर्णिया, तो दूसरे थाना में जाता है तो वो बोलते हैं हमको इस चीज का पता, स्टार्टिंग में गए थे हम, तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि यहाँ हमको खबर ही नहीं है, यानी कि यहाँ जो थाना में जो होना चाहिए पता नहीं, ये सर्कुलेट किए नहीं किए इनके बारे में हमको पता नहीं है। उनको सर्कुलेट करना चाहिए ना, हर थाना में बिहार के थाना है या लेडीज थाना या जैन थाना जो भी है वहाँ पे सर्कुलेट पता नहीं किए नहीं किए भगवान, हो सकता है किए होंगे लेकिन इनके बारे में हमको कंफर्म पता नहीं है। सर जगह घूम चुके हैं, हाँ हाँ, हम जो है मुंगेर का यहाँ से लेके मुंगेर तक में जितना थाना है, मेरा भाई SSB में है, उनको भेजे, वो हर थाना में जाके इन्फॉर्म किया। उसके बाद कटिहार हम खुद गए, कटिहार में पूरा थाना को बोले, उसके बाद पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पूरा घूम रहे थे। क्या हम लोग को शक हुआ कि क्या CCTV कैमरा जो 0 माइल में था ना, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमको पता चला कि रोड क्रॉस कर रही है। वहाँ जब गए ना कटिहार का एक सरस्वती ट्रेवल्स है, तो उनको हम फोटो दिखाया अपनी बेबी का, वो बताया कि ये जो औरत मेरी बस में चली थी, हाँ, उसके बाद कंडक्टर से पूछे, बोला कि नहीं चली नहीं है, वो कबूल नहीं किया। वहीं लापता दूजा कुमारी की मासूम बेटी माँ से अपील कर रही है कि माँ तुम कहीं भी हो तो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। बेटी का कहना है माँ मेरे लिए स्वेटर खरीदने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है और माँ से वो गुहार लगा रही है कि माँ वापस आ जाओ। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया का कहना है कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है, महिला को खोजने का प्रयास किया गया है, जल्दी सफलता मिल जाएगी। अभी उसमें पता लगाया जा रहा है, उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं उनका भी जो है मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो BSF के जवान जो उनके पति हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है, उम्मीद है कि जल्दी ही उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। अब देश की सुरक्षा में लगे जवान की पत्नी को 23 दिनों तक पुलिस के द्वारा नहीं खोजे जाने को लेकर जवान जहां पुलिस के रवैये से नाखुश है, वहीं सवाल उठता है कि जब देश की सुरक्षा में लगे जवान के साथ पुलिस इंसाफ नहीं कर पा रही है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा।
भागलपुर और इसके आसपास रहने वाले लोगों को अब नया आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट एवं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी होगी। वहीं आधार सेंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से भी भागलपुर वालों को मुक्ति मिल गई है। बाकायदा इसके लिए भागलपुर के RBS रोड भीकनपुर में PR टावर की तीसरी तल पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बिहार का दूसरा और भागलपुर का पहला आधार सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। इस आधार सेवा केंद्र में रोजाना 500 आधार पंजीकरण और संशोधन करने की क्षमता है। वहीं अब नया आधार कार्ड बनवाने या फिर बायोमेट्रिक अपडेट एवं डेमोग्राफिक अपडेट जैसी जरूरी संशोधन कराने के लिए आए हुए लोगों को इस मामूली काम के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशनल मैनेजर विनय कुमार ने बताया, UIDAI द्वारा खुद से संचालित बिहार का दूसरा और भागलपुर का यह पहला आधार सेवा केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय स्तर पर संचालित इस आधार सेवा में किसी एजेंसी या रजिस्ट्रार से कोई भूमिका नहीं है। भागलपुर में बिहार का दूसरा आधार सेवा केंद्र है जो खुद UIDAI का खुद का सेंटर है, ना तो एजेंसी और रजिस्ट्रार से कोई मतलब नहीं है। यह प्रमंडल लेवल पर ओपन हुआ है। बिहार में बस दो सेंटर है, पटना और आपका दूसरा भागलपुर, और अभी भी हर प्रमंडल में सेंटर ओपन होना है। UIDAI का खुद का अपना पर्सनल सेंटर। तो सप्ताह में कितने दिन खुलता है? सप्ताह में 7 डेज ओपन होता है, सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर। तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इसका 9:30 से 5:30। कौन कौन सा काम यहाँ पर होगा? यहाँ पे आधार से रिलेटेड सारे वर्क होते हैं, जैसे नया आधार बनाना, नाम सुधरवाना, जन्म तारीख सुधार करवाना, मोबाइल लिंक करवाना हो या बायोमेट्रिक अपडेट करवाना हो, ये सारी सुविधाएं दी जाती है। और न्यू आधार यहाँ निःशुल्क होता है और कुछ आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होता है, जैसे बच्चों का आवश्यक बायोमेट्रिक होता है, ये सब सारे निःशुल्क होते हैं। भागलपुर सबौर उत्तरी से जिला परिषद के उम्मीदवार अनिकेत यादव पर देर रात जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल बाल बच गए। हमला उस समय हुआ जब वे चुनाव प्रचार से वापस अपने घर सबौर के इंग्लिश गांव लौट रहे थे। अनिकेत यादव ने बताया कि जब मैं रात्रि के समय चुनाव प्रचार करके घर लौट रहा था, उसी समय इंग्लिश गांव के नेहरू क्लब के पास कुछ शरारती तत्व द्वारा हमारे ऊपर पिस्टल से हमला किया गया। ड्राइवर की समझदारी के कारण मैं बाल बाल बच गया, लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। जिला परिषद उम्मीदवार ने बताया कि यह काम हमारे विपक्षी के द्वारा करवाया गया है, जो काफी निंदनीय है। हालांकि विपक्षी अगर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं पीछे हट जाऊंगा, तो यह उनका वहम है। मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहूंगा। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। राजनीति में जाएंगे तो हमारे जान का दुश्मन हो जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन हम युवा से कहना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भयभीत मत होइए, चूंकि जनता का प्यार है और अगर जनता के प्रति आप काम करते हैं, जनता के सुख दुख में आप खड़े होते हैं, तो जनता आपके लिए फिर है। आपको प्रशासन भी क्या ना, प्रशासन अभी हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया, प्रशासन भी पूरा कड़ा से अपना जो है कि काम कर रही है। हमें कहा गया है कि लिखित में देने के लिए, तो अभी क्या है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, चूँकि अभी बहुत नज़दीक आ गया चुनाव, तो अभी क्या है कि हम अभी ये सब चीज़ों में अगर जाएंगे तो हमारा 2-3 घंटा 4 घंटा बर्बाद हो जाएगा। और हमको क्या है कि अभी जनता के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के दिलों में जगह बनाना है, तो अभी तो हम अभी प्रशासनिक में हर जगह इन्फॉर्म कर दिए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मेरा जो काम है वो है जनता के बीच में रहना, और हम जनता के बीच रहेंगे, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमको गोली मार दे, बम से उड़ा दे, फिर भी हम ये सब काम नहीं छोड़ेंगे और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, एक रात पूर्व आपके ऊपर में हमला। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सामने वाले का मानसिकता ये है ना कि हम कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं, ये इसका छवि बहुत अच्छा है, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है, लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गया है, तो इसको दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, तो सीधा इसी को ऐसे ऐसे काम कर देते हैं या जानलेवा हमला कर देते हैं। भागलपुर के नौगछिया वन विभाग के पदाधिकारियों ने नारायणपुर के बिरबन्ना गांव में छापेमारी कर 2 सपेरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सपेरों में बिरबन्ना गांव के निवासी मोहम्मद खैयाज और सुल्तानगंज निवासी मोहम्मद रशीद हैं, जबकि वन विभाग के पदाधिकारियों ने 1 ब्लैक कोबरा, 1 कोबरा, 1 धामिन और सुगवा प्रजाति के सांप को बरामद किया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि उन लोगों ने गुप्त सूचना के आधार पर बिरबन्ना गांव में छापेमारी किया था, जहां से तमाशा दिखाते हुए दोनों सपेरों को गिरफ्तार किया गया। प्रमोद कुमार ने बताया कि इन सपेरों का काम सांप को पकड़ना और तमाशा दिखाना ही है, और ये समय समय पर सांपों की बिक्री भी करते हैं। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सांपों को ये लोग लाखों रुपये में बिक्री करने में सक्षम होते हैं। प्रमोद कुमार ने कहा कि बरामद सांपों का चेकअप करवाया जाएगा, फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं सपेरों पर वन्य जीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई है और दोनों सपेरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पीरपैंती दक्षिण जिला परिषद सीट से उम्मीदवार विमलेश कुमार गौतम की बढ़ती लोकप्रियता व जनसमर्थन को देखते हुए
इस सीट से उम्मीदवार परमानंद सिंह ने अपने दर्जनों समर्थकों के संग बिमलेश कुमार गौतम को अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए अपना समर्थन दे दिया। साथ ही कहा कि बिमलेश जी एक योग्य उम्मीदवार है, साथ ही उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हमने अपना समर्थन इन्हें दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थन के साथ इनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी आज से करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सभी शीघ्र ही इनकी प्रचार में तन मन से जुड़ जाएं। वहीं समर्थन पाकर बिमलेश कुमार गौतम ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें दक्षिणी जीप सदस्य के रूप में जिताती है तो इसका श्रेय परमानंद सिंह को भी मिलेगा। जनता से यही कहना चाहता हूं, यही अपील करना चाहता हूं कि इनके साथ जो है आज के बाद जो है कि अपना प्रचार प्रसार में लग जाएं। बिमलेश जी आगे हैं, रेस में चल रहे हैं। हम लोग करेंगे जो परमानंद सिंह जो समर्थन दे दिए बिमलेश कुमार गौतम को, बहुत अच्छा किए कि इससे अच्छा कैंडिडेट इस आठ पंचायत में कोई नहीं होगा। और हम लोग परमानंद सिंह का जो जितना भी थे सब गैस सिलेंडर में आज से जुड़ गए और आज से हम लोग सब मिल के प्रचार करेंगे और उनको जिताने के लिए आगे रहेंगे। हम लोग जो है यही सोच कर करके चले हैं कि परमानंद सिंह जो है उस समर्थन में बिमलेश कुमार को समर्थन कर दिए हैं और आज लोग हम लोग जितने भी कार्यकर्ता थे परमानंद सिंह के, अब हम लोग कार्यकर्ता बिमलेश कुमार गौतम जी को कर रहे हैं। मैं उनका परमानंद सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन मेरे पक्ष में लिया। मैं जिंदगी भर ताउम्र उनके इसके लिए शुक्रगुजार रहूँगा और मैं वादा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह मुझ पर भरोसा किया है और मैं चुनाव जीतने के बाद मैं इनके साथ, मैं जिला परिषद नहीं बल्कि ये जिला परिषद रहेंगे, जो कार्य ये कहेंगे उन कार्य को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के पूरा किया जाएगा।